बार सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर नेपाल टीम बनाया था वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। नेपाल की कुछ गलतियों की वजह से नेपाल टीम बाकी मैच में हार मिला, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट नेपाल टीम हरा दिया था। नेपाल टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गया, वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कि नेपाल टीम को 6 मैच से 2 मैच नेपाल टीम को जीत मिला और बाकी मैच में नेपाल टीम को हार मिला। हर कोई नेगेटिव पॉइंट में बात किया कि नेपाल टीम इसको से बाहर हो गया, इस को जिसने नेपाल टीम गलती वजह से बाहर हो गया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपाल टीम पॉजिटिव पॉइंट के बारे में कि नेपाल टीम इस क्वालिफायर मैच में क्या चीज सीखा होगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट अपने घर पे लेकर जाएगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि नेपाल टीम आने वाले मैच में इंक्लूड करेगा, आने वाले मैच में उसको ऐड करेगा। जो गलतियां करके नेपाल टीम आए वो आने वाले मैच में नेपाल टीम गलती नहीं करे, और जो नेपाल टीम पॉजिटिव पॉइंट अभी इस टूर्नामेंट से मिला है नेपाल टीम, उस पॉजिटिव पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर वीडियो में आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल टीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो नेपाल टीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि हाईएस्ट स्कोर का, क्योंकि नेपाल टीम का हिस्ट्री में तीसरी बार सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर नेपाल टीम बनाया था वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 290 रन। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है कि नेपाल टीम में जो बैटर लोग हैं पहले मैच में जबरदस्त रन बनाए थे, शानदार फॉर्म में थे, उसके बाद और मैच में देखा जाए तो नेपाल के जो बैटर लोग फ्लॉप हो गए थे, वैसे रन नहीं बना पाए थे, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के तरफ से वो बॉलिंग में, बॉलिंग में देखा जाए तो नेपाल टीम ने शानदार किया, जबरदस्त किया, जो कि नेपाल टीम जब बॉलिंग करने आता था एक खाली मैच अगर आप छोड़ दो खाली जिम्बाब्वे वाला आने और एक मैच में आप देखो नेपाल टीम शुरुआत में विकेट लिया, नए बॉल से विकेट लिया, उसके वजह से नेपाल टीम मैच में बन गया और नेपाल टीम मैच जीता भी, क्योंकि नेपाल की कुछ गलतियों की वजह से नेपाल टीम बाकी मैच में हार मिला, क्योंकि शुरू में विकेट नेपाल टीम ले रहा था। मैं बार बार बोला कि अगर शुरू में कोई सी टीम को विकेट लेते हैं तो दूसरा टीम बैकफुट में चला जाता है, प्रेशर में चला जाता है, क्योंकि नेपाल टीम शुरू में आके अच्छा बॉलिंग करके शुरू में विकेट लिया, दूसरी टीम को प्रेशर में डाला। यह सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल अभी जाएगा एशिया कप खेलेगा, तो नेपाल का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि नेपाल के जो बॉलर लोग हैं शानदार किए, जबरदस्त किए, बाकी टीमों को प्रेशर में डाल दिए थे, बड़े बड़े टीमों को प्रेशर में डाल दिए थे और शुरू में विकेट लेके दिए। अगर आप देख सकते हो नेपाल जो वेस्ट इंडीज से हारा था वो हारा नहीं था, वेस्ट इंडीज से नेपाल टीम ऑलमोस्ट जीत गया था। आसिफ शेख निकलस पुरन का तो जो कैच अगर पकड़ ले 100% आप देख रहे हो 74 विकेट हो जाता वेस्ट इंडीज का, तो नेपाल टीम 2 रन तक रोक देता वेस्ट इंडीज को, नेपाल टीम चेज कर लेता। और ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट नेपाल टीम हरा दिया था, वो कैच की वजह से नेपाल टीम उस मैच में 101 रन से हार मिला था। और बाकी मैच में देखो नेपाल टीम शानदार बॉलिंग किया था, अच्छा इफेक्ट डाला हुआ था। नेपाल टीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखा है तो बॉलिंग है, बॉलिंग की वजह से नेपाल टीम को मैच में जीत मिला था, बॉलिंग की वजह से नेपाल टीम मैच में आता था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस मैच का देखा जाए तो नेपाल टीम लास्ट मैच में हार नहीं माना, ऐसे ही नेपाल टीम हर कोई जानता था, जिस तरह नेपाल टीम आयरलैंड के खिलाफ खेला वैसे अगर नेपाल टीम पूरा टूर्नामेंट खेला होता तो हो सकता नेपाल टीम रिजल्ट कुछ और होता, हो सकता नेपाल टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता था, सुपर सिक्स में क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन वो जो नहीं हुआ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नेपाल टीम का देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कोर, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बॉलिंग है, जिस तरह बॉलिंग नेपाल इस पूरा टूर्नामेंट में किया, जबरदस्त किया, शानदार किया, बाकी टीमों को परेशान करके रख दिया, शुरू में आके विकेट लिए। लास्ट मैच में देखा है तो नेपाल टीम में बल्लेबाजी भी सही हुआ, कुछ खिलाड़ी लोग बल्लेबाजी भी सही किए, शानदार के रन बना के दिए, क्योंकि और बल्लेबाजी की वजह से नेपाल टीम को मैच में हार मिल रहा था। कुछ खिलाड़ी हैं कि जो पॉजिटिव पॉइंट है आने वाले मैच में अच्छा करेंगे और नेपाल टीम को मैच जिताएंगे। बॉलिंग में बैटिंग में भी नेपाल टीम में देखा जाए तो रोहित पोलेल हो गए, कुशल मल्ला हो गए, भीम कार्के तो इस मैच में ज़्यादा रन नहीं बना पाए। सबसे बड़ा अगर पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के तो संदीप लामेछाने ने बैटिंग से देखा जाए, उसके बाद गुलशन झा, ये जो खिलाड़ी लोग हैं 4 से 5 खिलाड़ी, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के लिए, जिस तरह संदीप लामेछाने ने बैटिंग किए, बॉलिंग करे, विकेट लेके दिए, रन बना के दिए लास्ट मौके में, उसके बाद जिस तरह गुलशन झा 17 साल का एज खाली है उनका, बैटिंग से रन बना के देते हैं, बॉलिंग से शानदार करके दिए। इस पूरा टूर्नामेंट में देखा जाए तो जब जोत पड़ा विकेट लेके दिए, जब जोत पड़ा तो रन बना के दिए संदीप लामेछाने और गुलशन झा। लास्ट मैच 57 रन बनाए थे गुलशन झा, विकेट लेके दिए थे। लास्ट मैच आयरलैंड के खिलाफ संदीप लामेछाने 32 रन बनाए थे, विकेट लेके दिए थे। कुशल मल्ला को अब नहीं भूल सकते, जब कुशल मल्ला लास्ट मैच 44 रन बनाए थे और मैच उनको मौका नहीं मिला। तो 4 से 5 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के कि आने वाले मैच में आप देखोगे कि और पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। नेपाल से यही पॉजिटिव पॉइंट को अपना इंक्लूड करेगा, अपना शेड्यूल में डाले, कौन कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट है उसको निकाल देना चाहिए, और दूसरा मैच में जो नेगेटिव पॉइंट है, जिस गलती को जो हारे वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो आने वाले मैच में आप देखोगे नेपाल टीम अच्छा करेगा और नेपाल टीम और आगे जाएगा। इंडिया पाकिस्तान को मैं नहीं बोलता हरा देगा, तो इंडिया पाकिस्तान नेपाल टीम टक्कर दे सकता है, जिस तरह लास्ट में नेपाल टीम आयरलैंड के खिलाफ खेला था वैसे ही खेलेगा।
टीम को भी नेपाल टीम चुनौती दे सकता है, हर टीम को नेपाल टीम टक्कर दे सकता है। लगा होगा तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।